आपको जानना है ना, मेरे को पता है आपको जानना है वेयर आई एम स्टेइंग इन बाली. आप सब लोग मुझसे स्नैपचैट में कमेंट करके पूछ ही रहे हो कि ओ विच होटल इज दिस, विच होटल इज दिस, और उसका रिव्यू एंड ऑल. तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मैं अभी कहाँ पे रुक रही हूँ, मेरा रूम कैसा दिखता है, जो कि आपने देखा है स्नैपचैट में ग्लिम्स. और हियर वी गो. तो आज ये रूम टूर ऑफ माई होटल्स रूम, द आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे. बट ये इसकी डिटेल्स आपको मेरे आउटफिट वाली वीडियो में मिल जाएगा. और ये आप देख सकते हो, ये एंट्रेंस है जो कि बहुत सुंदर लगता है रात को, बिकॉज वो ना थोड़ी थोड़ी लाइट जलती है बीच बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. आपको पूरा होटल दिखाऊंगी कि कैसा है ये पूरा होटल. और हम इस होटल में 4 दिन रहने वाले हैं, जिनमें से हमारा 3rd दिन चल रहा है और 4th डे हमारा एक विला में है. दिस इज़ द रूम दे हैव एंड दे हैव ऑल्सो विला. तो हम विला में रुकने वाले हैं जिसका अपना ओन स्विमिंग पूल है, तो वो मैं दिखाऊंगी. तो फर्स्ट लेट्स गो टू माय रूम. सबसे ये ना पूरा ना हिंदुज़म के ऊपर बेस्ड है. देखो युधिष्ठिरा, और अब जब बाली आते हो बहुत सारे भगवान की मूर्तियां यहाँ पर, लिटरली बहुत सारी, हर जगह आपको भगवान की मूर्तियां दिखेंगी. कम 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 स्टार्ट दिस. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे एक नॉन है. तो दिस इज द वार्डरोब दे हैव, वेरी नॉर्मल एंड बेसिक. ठीक है, ये मेरे नहीं है, समझ जाओ बटलर. और ये मेरी हैट है. ठीक है, और ये हमारे बैग्स हैं जो कि हमने यहाँ पे रखे हुए हैं. और यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, ठीक है, आई लव देयर दीज वन ग्लासेस. मैं अपने घर पे इसको बैग में डाल के ले जाना चाहती हूँ. क्या मैं चोरी कर पाऊंगी ये मुझे पता नहीं है, बट मेरी माँ बहुत खुश होगी अगर मैं ले जाऊँगी. वैसे मैं चारों लेके जाना चाहती हूँ. सो ये तो हम वैसे यूज़ ही नहीं करते, ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि हम एब्सोल्युटली चोरी करेंगे. मतलब चोरी क्या, ये हमारा हक है, मतलब ले जाएंगे और तो किसी काम का नहीं हमारे. तो या वी गॉट आवर स्पीकर हियर. तो ये हमारा स्पीकर है, म्यूजिक हम चलाते हैं यहाँ पे. और ये हमारे पास कुछ स्नैक्स है ताकि रात को खाए. और ये हमारा इनो है के लिए, बिकॉज यू नो योर गर्ल हैज स्टमक इशू, दैट्स व्हाई. एंड बटलर आल्सो. एंड वी हैव द साइड टेबल, इससे आप वर्क टेबल बोलो या कुछ भी बोलो. बट यहाँ मेरी हैट पड़ी हुई है, ये हमारे बैग्स पड़े हुए हैं, और ये हमारे घर के थोड़े गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो कि हमने लिए हुए हैं. सो बिग एस टीवी, जो कि हम देख ही नहीं रहे हैं, हम टीवी देखने नहीं आए हैं. आई डोंट थिंक सो बाली में कोई आकर टीवी भी देखता होगा. देखते होंगे वैसे जो रिलैक्स करने आते हैं, जो महीने महीनों के लिए आता है. बट हम यहाँ पे सिर्फ 6 दिन के लिए आए, और लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी 6 दिन बहुत कम है. आई वांट टू स्टे मोर हियर बट आई कांट, क्योंकि काम धंधा कौन करेगा. और ये बहुत ही कंफर्टेबल है इसमें, आई डोंट नो व्हाटएवर साइड टेबल. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज दिस बेड. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम. दिस इज सो प्रिटी, इतना रॉयल सा लुक है ना इसका. और ना मेरा हमेशा से था कि मुझे ऐसे बेड में सोना है, तो ये बहुत ही सुंदर है. और इसका ना ये जो हम इसे खोल के जब बंद करते थे ना, इसकी वाइब भी अलग आती है. मतलब अगर आप ये होटल में आते हो और आप अगर ये रूम लेते हो, तो डेफिनेटली इसको ओपन करना, इसको ऐसे ही मत रखना, इसको पूरा बंद कर देना. इतनी अच्छी वाइब मिलेगी आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड हमारे पास बहुत ही सुंदर एंड वेरी बिग, लाइक वेरी बिग बाथटब, जो कि बहुत ही सुंदर है. बहुत 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 सुंदर बाथटब है हमारे पास. यहाँ पे इनके पास शावर जेल है, शैम्पू है और कंडीशनर है. आई डोंट नो ये किस लिए है, मतलब ये किस काम के लिए है, कि ये आई गेस बबल्स के लिए है, बट इससे इतना बबल्स निकला नहीं था जब मैं नहाई थी इसमें. तो ये बहुत ही सुंदर बाथ. और यहाँ पे है हमारा बाथरूम पूपू करने के लिए, ओके. और यहाँ पे है हमारा शावर नहाने के लिए. और ये रही मैं. तो यहाँ की सबसे बुरी बात यह है कि इधर मिरर नहीं है ज़्यादा, एंड यू गाइज नो दैट आई लव मिरर्स. तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है बेसिकली, बट ठीक है. मतलब इसकी जो लाइटिंग है ना, यहाँ ऊपर से है, तो मुझे ना मेकअप करने में बड़ी दिक्कत हो रही है. तो अगर आप इस होटल में रहते हो तो प्लीज़ अपने साथ एक बड़ा सा मिरर भी लेना, छोटा सा, मतलब जिससे आप मेकअप तो कर सको, अपना मूड ढंग से देख सको. क्योंकि जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो इस पर ऊपर से इतनी लाइट आती है कि थोड़ा डार्क हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ पर क्या लगा रही हूँ. और ये हमारा थोड़ा मेस है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ रेडी हो रही थी तो थोड़ा मेस कर रखा था. तो इट्स ओके, फाइन फाइन, सब कुछ एस्थेटिक नहीं मिल सकता. सो दिस इज द होल
बाथरूम दे हैव जो कि ओपन बाथरूम है बेसिकली. प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है इस बाथरूम में, आपके पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है. इवन दो अगर आप पूपू कर रहे हो तो दिखता है. तो या तो व्हाटएवर, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो ना तो इट्स नॉट अ गुड प्लेस बिकॉज पूपू करने में भी प्राइवेसी नहीं है. बेड मैंने आपको दिखा दिया है, साइड टेबल्स है इसमें, बहुत ही बेड तो बहुत ही रॉयल टाइप है, मतलब विंटेज टाइप है. एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल बालकनी, दिस इज द बालकनी वी हैव. और यू कैन सी द व्यू, देखो व्यू कितना. अब देखो मैं तुम्हें एक चीज भी कराती हूँ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट. ओके तो मैं इसमें आराम से 10 घंटे सो सकती हूँ इस आवाज़ में, इतना पीसफुल है ये, इतनी शांति से बर्ड्स की, पानी की और हवा चलती है तो पेड़ों की, इनकी सबकी आवाज़ है. दैट्स इट, सो अमेजिंग. सो दिस इज द बालकनी, प्रिटी बिग बालकनी. ओके और ये हमारे कच्चे बच्चे सूख रहे हैं तो प्लीज कैमरा लगा दो. और यहाँ पे भी स्टिल मेरे कच्चे सूख रहे हैं तो बिकॉज आई डोंट लाइक डर्टी कच्चे, तो मैं हमेशा धोके सुखा देती हूँ. और ये इसकी सेटिंग है जो कि नाइस, आई लाइक इट. सो धूप आ रही है, अच्छी बात है, बिकॉज हम जब से आए तब से यहाँ पे बारिश हो रही है, बट आज धूप आ गई है. तो दिस इज माई रूम फॉर 3 days. फाइनली वी शिफ्टेड टू आवर विला. तो आज हम एक दिन के लिए विला में रुके हैं जिसमें प्राइवेट पूल है, हनी बूबू, जिसमें मैं फुल ऑन नंगी नहाऊंगी शायद से. आई वेयर द स्मॉलेस्ट बिकनी टुडे जो मैं पब्लिकली नहीं पहन सकती हूँ. सो दिस इज द एंट्रेंस, आई लव द होटल बाय द वे, दिस इज वेरी गुड होटल. तो खाने की थोड़ी प्रॉब्लम है बट होटल इज अमेजिंग, वेरी पीसफुल एंड वेरी नाइस. So this is the entrance and ये बड़ा सुंदर सा एंट्रेंस बनाया है उन्होंने, लाइक वेरी ब्यूटीफुल. आई विश इट्स वेरी फैंसी होटल. और यहाँ पे ये बनाया है इन्होंने छोटी सा सिटिंग एरिया जिसमें वही आपके फ्री गिफ्ट जो कि आप लेके जाओगे प्रॉब्लली घर पे. हमारे उस फ्रिज में कोक छूट गई. ओके तो वी आर द प्रोबेबली आई एम गोना ड्रिंक कोक इन दिस. सो यस दिस इज द सेटिंग एरिया. ओए केयरफुल, व्हिच इज वेरी कंफर्टेबल एंड क्यूट. आई लव देयर थीम, बड़ा सुंदर सा थीम बना रखा है. दिस इज द बाथरूम, पर वो अभी नहीं दिखाना. ये है अपना खुद का एक दिन का पर्सनल पूल. पूछ जाओ क्या, मुझे लग रहा है ये डीप है बहुत. आई डोंट नो, जाके मुझे चलेगा. 120 सेंटीमीटर, 3 feet. थ्री फीट ओनली, थ्री फीट ओनली, थ्री फीट ओनली, थ्री फीट ओनली. नो डाइविंग, नो डाइविंग. ओनली वाटर, ओनली वाटर. कोल्ड वाटर. कम साइड हने, दिस इज द रूम हने. बस अब हिंदुस्तान में वापसी आ जाओ. सो दिस इज द रूम, दिस इज प्रीटी. अच्छा ऑब्वियसली उस रूम से थोड़ा छोटा है, बट छोटा नहीं एक्चुअल में, ये उतना ही बड़ा है. नहीं, फ्लोर एरिया इसका ज्यादा है ये. हाँ वैसे ज्यादा है, बट जो बेडरूम स्लीपिंग एरिया कम है, लेकिन वैसे रूम बड़ा है. वैसे रूम काफी बड़ा है. और मेरे को सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एटलीस्ट प्राइवेसी है. वहाँ पे बाथरूम बड़ा ओपन ज्यादा, मैं बाथरूम भी दिखाती हूँ. सो दिस इज द बेड वी हैव. आई डोंट नो उन्होंने इसे क्यों बना दिया है, ऑल्दो आई एम टोटली सिंगल. कपल क्या है ये, भैया मोर की गर्दन काट दी. और दिस इज द बाथरूम. ओके मैंने काफी सारे लोगों की वीडियोस देखी थी कि ना वो ओपन शावर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन शावर है. तो कुकू फाइनली कुकू के लिए प्राइवेसी, बिकॉज ये दरवाजा हो जाता है बंद, गुड पार्ट. दरवाजा हो जाता है बंद और कुकू के लिए प्राइवेसी है, ठीक है. और ये है ओपन शावर जहाँ से वो आई गेस छत से मुझे लोग नंगा नहाते हुए देख सकते हैं, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर. बट क्या लगता है आपको, है ना, मैं यहाँ पे नहा रही हूँ और मुझे देख लें. बट This is what we are talking about. किसी ने स्पेशली मेले करवाया है, इसका नाम है बटलर. इट्स सुपर क्यूट.
क्योंकि मेरे को लेना, मेरे को बहुत मन है कि मैं फ्लावर बाथ लूँ. तो यस सर, इसकी पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पे आएगी. और दिस इज़ द बाथरूम, दिस इज़ द शावर, ओपन शावर, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द मेन, दिस इज़ द मिरर. द मेन प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव अ बिग मिरर, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. और द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इंडिया वाले ही है तो आपको वाली दिक्कत नहीं होगी. बट एयरपोर्ट में मिले ना मिले, इसलिए आप एक्स्ट्रा कैरी कर लेना वो जो वो तो ना लंबे वाले, क्या कहते उसे, एक्सटेंशन पॉइंट. आप एयरपोर्ट में नहीं था ना? हाँ, तो ये वाला है यहाँ पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट. इसकी ना दो एंट्रेंस है, एक यहाँ से और एक यहाँ से. तो ये है इसकी एक अनदर एंट्रेंस, और ये पूरा लाइक दिस, इट्स क्वाइट बिग, वेरी बिग. वाओ, लुक एट द वेदर गाइज, इट्स सो गुड. आज थोड़ा सनी भी है, विच इज़ नाइट, भी वी वॉन्ट सनी डे. एंड दिस इज़ आर सिटिंग एरिया, वेरी पीसफुल. और ये सामने का व्यू ऐसा है, सामने सारे राइस फील्ड है, राइस फील्ड है सामने. हाँ, सारे चावल की खेती हो रही है यहाँ पे सारी. सो दैट्स इट, दिस इज आर टुडे स्टेइंग. और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होगा इधर. तो फाइनली आई एम गोइंग इनसाइड. डोंट, आई डोंट वांट feel like to kharab karu, don't want to do this. This is me in Mathar with lot of flowers, but in my night problem hai ki jo keede aate hai jab flowers hote hai na. So finally ab hum is jagah ko जा रहे हैं बाय बाय करने. मैंने अभी तक आपको रूम बाहर का नहीं दिखाया, होटल कैसा है, तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ. फिर उसके बाद हम इस वाले होटल को बाय बाय कह देंगे, जो कि वैसा वैसा उबुद समथिंग नाम है इसका, मैं आपको दिखा दूँगी. होटल है यहाँ पे, रूम्स हैं. हमारा पहले रूम उधर लास्ट में था, बट ये होटल है, देख सकते हो कितना इतना पीसफुल है ना. एक तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई होप, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट होटल आई एम स्टेइंग. आई डोंट नो कि और होटल्स भी ऐसे है कि नहीं. मुझे ना बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है वहाँ पे. और आप देख सकते हो उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे बना रखा है, युधिष्ठिरा स्वीट भीमा विशेषा स्पा. तो यहाँ पे युधिष्ठिरा भीमा ये सब है, सारे भगवान जी के नामों पर है. तो हम भीमा में रुके थे जो कि विला है. पहले हम युधिष्ठिरा स्वीट में रुके हुए थे, और वहाँ पे ना आई फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स गो देयर, देखते हैं उधर क्या है. आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि उधर क्या है. वैसे अब हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है, हमारी कैब आ चुकी है. बट आई थिंक वो जंगल है. लुक एट दिस, कितना सुंदर है ना. वाओ, हाँ आई थिंक ये जंगल, आई थिंक हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए. वाओ, इज दिस अंडर कंस्ट्रक्शन? झूला दे है, झूला. हमें टाइम नहीं मिला यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत बड़ा है और काफी सारी चीजें. इसके पीछे तो बिल्कुल जंगल है बाय द वे. जंगल नहीं है, राइस फील्ड है. नहीं नहीं, पीछे तो जंगल है, राइस फील्ड के पीछे. हाँ, ये देखो इनकी सारी राइस फील्ड है. ये खुद ही आई गेस राइस बनाते हैं और वही खिलाते हैं हमें. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो. इनके राइस टेस्टी होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं. हाँ, राइस तो बहुत टेस्टी है इनके. इनके राइस बासमती राइस की तरह नहीं है, बट बहुत यम्मी है. हाँ, यहाँ पे जैसे कोरियन में स्टिकी राइस खाते हैं, वैसे यहाँ पे भी कोरियन, यहाँ पे भी स्टिकी राइस खाते हैं. इनकी ना एंट्रेंस है यहाँ पे, ये देखो. एंड दिस इज द लॉबी, दिस एरिया इज लॉबी, दैट्स फॉर डाइनिंग एंड एवरीथिंग. मतलब ये इनका रेस्टोरेंट है बेसिकली, और मैं हम एक्चुअली यहीं पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं. प्रिटी कूल एंड वेरी बिग प्रॉपर्टी बेसिकली, वेरी बिग. और ये है इनका बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, जिसमें हम गए नहीं. आई वॉन्टेड टू गो लाइक, बट हमें मौका नहीं मिला. सो हियर वी गो, दिस इज़ द स्विमिंग पूल दे हैव. वाओ, आप देख रहे हो ना, मूर्ति इतनी सुंदर सुंदर है यहाँ पे. फोकस, यस सर. सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल दे हैव, इट्स अमेजिंग.
सो बाय द वे अब हम चेकआउट कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग वी आर गोइंग टू अनदर होटल एंड वहाँ पे देखते क्या होगा. दिस इज आर अनदर स्टे. बीच के पास नहीं, बीच इसके पास है, प्राइवेट बीच. ओह वी हैव द प्राइवेट बीच हियर, लुक एट दिस, दिस इज द एंट्रेंस. वाओ यहाँ पे ना ऐसे बहुत ऐसा लगता है हर जगह वाटरफॉल है, ऐसी आवाज आती है. फ्लैग ये देखो, हमारे देश का फ्लैग भी है यहाँ पे. और भी कंट्रीज क्या है बट या हमारी कंट्री का भी है और सबसे अच्छी बात है एंट्रेंस में भी है. फर्स्ट थिंग अबाउट गणेश जी इज हियर. क्यूबा होटल. वाओ एंड लेट मी शो यू, आई एम गोइंग टू अनदर साइड. लाइक आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर. हमारे वाले होटल में बहुत कम लोग थे, बेसिकली बहुत बड़ा भी था तो पता ही नहीं चला. एंड दे हैव वाओ, सो आई थिंक दिस इज देयर चिलिंग प्लेस बिकॉज यहाँ पे ये पूल भी है. और इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, मतलब वो वाला बहुत ही खाली और बहुत ही ग्रीनरी था. ग्रीन तो ये भी बहुत है बट वो बहुत ही स्पेशियस और बड़ा सा था. सो लेट्स सी हाउ इज द रूम. बट अच्छी बात है यहाँ पे प्राइवेट बीच है. आर वेलकम ड्रिंक्स, चीयर्स, लेट्स टेस्ट दिस. आर गोइंग टू आर रूम. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इसका. आई गेस दिस इज द पूल. पूल ज़्यादा बड़ा है उस होटल से. वाओ प्रिटी एक्साइटेड. देखते हैं रूम कैसा है. हो बच्चा वहाँ पूल काफ़ी बड़ा है इसका. वाओ ओके सो दिस इज़ द रिजॉर्ट एंड ये है हमारा प्राइवेट बीच. अच्छा हम पूल इस साइड है अभी. अभी हम यहाँ पे. हाँ ये यहाँ पे बीच है. वाओ सो हियर वी गो, देयर इज अ बीच. वाओ दिस इज द पूल. कटहल ले चलते सब्जी बनाए खाने. हाँ मम्मी खुश हो जाएगी. मेरा बैग कटहल से ही भर जाएगा फिर. ऑर्गेनिक खाना मिलता देखो, खुद कटहल उगा रहे हैं. सब्जी बना के तुम्हें खिलाएंगे. लेट्स सी, लेट्स सी द प्लेस. देखो सुंदर है, अच्छा है. थोड़ा ना ओल्ड टाइप से उन्होंने बनाई है, ट्रेडिशनल टाइप, मतलब रस्टिक एंड ट्रेडिशनल टाइप से इनकी जगह. ओके सो फाइनली वी आर आउटसाइड आवर रूम. दिस इज आवर रूम. ये इनका सेटिंग है. नाइस और व्यू ये है ग्रीन. थैंक यू एंड वाओ. या श्योर दिस इज द रूम. और दिस इज द बाथ टब. आई कैन सी फ्रॉम हियर हने. और रूम ना काफ़ी, थैंक गॉड प्राइवेट बाथरूम है. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वहाँ के बाथरूम से. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, फाइनली आई गॉट अ मिरर. आई वॉज डाइंग फॉर बिग मिरर. थैंक गॉड यहाँ पे बिग मिरर है, वहाँ तो बिग मिरर ही नहीं था. हियर वी गो. अच्छी बात है यार यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं. हाँ बट ये देखो आप बात कर, थोड़ा ओल्ड फैशन का है वहाँ का, थोड़ा बहुत ही काइंड ऑफ फैशनेबल था. इट इज़ जस्ट कूल. लेट्स सी इसके अंदर क्या. ओके वाओ, ओ वाओ, आई लाइक देयर बाथरूम. नाइस एंड दिस इज अ शावर आई गेस. यस दिस इज अ शावर. नाइस सेपरेटेड. वी गॉट सेम अगेन थोड़ी सी फ्री की चीज़ें जो कि प्रॉबेबली बैग में जाने वाली. आई एम जस्ट किडिंग यार, मैं कुछ नहीं लेके जाती. मैं क्या करूँगी इन सब का, मेरे घर में सब पड़ा हुआ है ये सब. और इनकी ना जो उन्होंने बनाई है ना, कि दिस इज ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ ओल्ड. उसको ओल्ड को कैसे उसको डिस्क्राइब करूँ. It's not old, it's traditional. It's traditional, yeah. You can see this is very traditional types of room. और ये हमारे दो दिन का स्टे है और इसके बाद हम जाने वाले हैं. तो इस होटल का नाम क्या है. This is Bali Tropic Resort and Spa. It's in Nusa Dua. It's in Nusa Dua, Bali. 15 मिनट दूर है सेमिनियाक से. तो या तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ का बीच कैसे दिखता है.
आ गए हैं होटल के बीच वाले पार्ट में और आप देख सकते हैं वहाँ पे बीच है. सो वी आर गोइंग देयर. आई एम सुपर एक्साइटेड. वाओ लुक एट दैट. एक तो पहली बार इतनी पीसफुल है ना, मतलब आपको सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे. सो अमेजिंग. आई होप मेरी पिक्चर्स भी अच्छी आए. सो दिस इज़ द बीच. वाओ गाइस देखो सनसेट हो रहा है वहाँ पे. सनसेट हो रहा है और यहाँ पे लाइट देखो. देखो क्लाउड बिल्कुल पिंक हो चुका है. और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये भी बिल्कुल पिंक हो रहा है. दिस इज़ सो अमेजिंग. तो आज है हमारा लास्ट डे है इस होटल में. तो हम आपको अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ कितना कितना स्पेंड हुआ है किस किस होटल में. तो बेसिकली अभी हम हैं नूसा दुआ, उससे पहले हम उबुद में थे. और नूसा दुआ के हम होटल में रुके हैं बाली टॉपिक रिजॉर्ट एंड स्पा. बाली टॉपिक रिजॉर्ट एंड स्पा. या सो बेसिकली ये एक बीच रिजॉर्ट है बेसिकली. और यहाँ पे मतलब आपको मैंने दिखाया है बीच है. सो या तो वी आर स्टेइंग फॉर टू डेज हेयर. आपने देखा है इसका इंटीरियर कैसा है. ओके तो ये दो दिन का स्टे यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है 13,124. ओके प्रिटी गुड. ठीक है मतलब या मतलब ठीक है. यहाँ का बुफे बहुत अच्छा है मतलब अगर आप अकॉर्डिंगली देखोगे तो. चलो फाइनली क्योंकि हमें क्या ना वहाँ पे रह रहे के ना बुफे की आदत हो गई है. तो वी वांट अगर हम रुकते हैं फाइव स्टार होटल में तो वी एक्सपेक्ट बुफे. तो वो बुफे वाला सिस्टम नहीं था. ऑल्दो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, यहाँ का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे बुफे सिस्टम है. तो यू कैन हैव लॉट ऑफ, वहाँ पे आपको लिमिटेड मिलता था, बट आप पूछ सकते हो या जो भी है. दिस इज द डिफरेंस. एंड हम फूड में क्वालिटी थी, यहाँ के फूड में क्वांटिटी है. यस yes, ये तो है फर्क, ये तो है. और अगर आप मैं दोनों होटल्स को कंपेयर करूँ तो वहाँ का होटल ज्यादा पीसफुल और मुझे ज्यादा पसंद आया अगर कंपैरिजन से इस होटल से करें. बिकॉज इधर वाईफाई का बहुत इशू है. जहाँ हम जिस रूम में हम रुके वहाँ वाईफाई नहीं आता, काम नहीं करता है. और ऊपर से मतलब लाइक इंटीरियर इनका ट्रेडिशनल है बट आई लाइक देयर इंटीरियर मोर. और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था. और अभी हम बिल्कुल रोड के साइड में है. बेसिकली वो है सेंटर, उबुद है सेंटर बट इट्स अ विलेज. और ये है सेमिनियाक जो कि सिटी है. नूसा दुआ और सेमिनियाक जो कि सिटी है. और यहाँ पे हमें लगा कि उबुद सिटी है बट ऐसा नहीं है, उबुद विलेज है एक तरीके से. क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्पल्स मिलेंगे और वहाँ पे आपको राइस फील्ड हाँ ये सब मिलेगी. बट यहाँ पे आपको मैंने आपको दिखाया था वहाँ होटल्स में ही राइस फील्ड थी, ठीक है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये एक तरीके से सिटी है. ओके और यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स या एंड स्टारबक्स ऑब्वियसली. वो तो आपको बुद्ध मिल जाएगा हर दूसरी गली में. हाँ. पूरे बाली में आपको स्टारबक्स ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, हर गली में. और आई थिंक ये इंडिया से चीप भी है, तो अगर आप इंडिया में नहीं पीते हो तो यहाँ पे आप पी सकते हो. आप अब आपको अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है तो आप आगे यहाँ पे सेमिनियाक या फिर नूसा दुआ में रुक सकते हो. बट मैं सजेस्ट करूंगी आप सेमिनियाक में रुको, क्योंकि नूसा दुआ थोड़ा सा दूर पड़ता है और सेमिनियाक में सब कुछ है. तो आई थिंक यू शुड स्टे इन सेमिनियाक. प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है सेमिनियाक और नूसा दुआ के होटल्स में. कितना डिफरेंस है? अगर आपको सेमिनियाक में कोई आपको बीच होटल चाहिए तो जो हमें पर टू नाइट का 13,000 कॉस्ट किया है, सेमिनियाक में बीच रिजॉर्ट आपको पर नाइट 11,000 पे कॉस्ट करेगा. ओके तो या वो तो डिफरेंस आएगा बिकॉज वहाँ पे सब कुछ है, आपको नियर बाय सब कुछ पड़ेगा. बट आप उससे चीपर होटल्स भी देख सकते हो, ऐसा कुछ. यू कैन गो फॉर चीपर होटल्स. ये प्राइस जो हमने पे किया जरूरी नहीं आप इतना पे करो. यू कैन पे मोर, यू कैन गो फॉर चीपर ऑप्शंस एज वेल. यस सर. तो होटल्स में मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है तो आप सेमिनियाक में रुको. और अगर आपको पीसफुल, जो कहते हैं ना बाली में आप आए हो और आपको पीस चाहिए और बिल्कुल शांति और ये सब, तो आप रुको उबुद में. उबुद में बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं और उबुद इट्स लाइक वेरी वेरी पीसफुल. यहाँ तो हॉर्न ये वो का बाइक्स की इतनी आवाज़ है बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यू शुड स्टे इन उबुद इफ़ यू लाइक पीसफुल, इफ यू वॉन्ट पीसफुल वाइब्स. सो हाँ, जो हम उबुद में रुके थे उसका नाम था देसा विशेषा उबुद. और वो हम तीन दिन, हम उसमें चार दिन रुके थे जिनमें से तीन दिन हमारा एक सुईट था और चौथा दिन हमारा प्राइवेट पूल विला था. हाँ हमारा विला था. जो सुईट था वो कितना कॉस्ट करा हमें? तो सुईट फॉर 4 days कॉस्टेड अस 28,000 रुपीस. जो सुईट हमें कॉस्ट करा था वो 28,000 करा था फॉर थ्री डेज थ्री नाइट्स फोर डेज थ्री नाइट्स फोर डेज
और जो हमारा विला था वो कितना कॉस्ट का, वो एक्सपेंसिव है, विला कॉस्टेड अस 12,500। तो एक दिन पे जो हम प्राइवेट पूल वाले विला में रुके थे वो हमें कॉस्ट करा था 12,500 रुपीज। प्राइवेट पूल विला, आई वुड से इट्स अ मस्ट। हां मतलब या मतलब या ऑब्वियसली इट वाज बिकॉज़ वहां पे काफी मतलब इट्स लाइक योर ओन पूरा प्रॉपर। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए अगर आपके बजट में है तो, अदरवाइज यू कैन गो विद द मोर ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत चीप चीप होटल्स भी है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम रील्स में देखा है काफी चीप चीप होटल्स और काफी सुंदर सुंदर भी है, तो यू कैन गो ऑल्सो देयर। बट मैं आपको सजेशन दूंगी अगर आप सेमिनियाक या फिर नूसा दुआ में रहते हो तो प्लीज एक्सपेंसिव होटल मत लेना, बिकॉज आप होटल में चिल तो करोगे नहीं, ठीक है। और जहां तक पूल की बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पूल नहीं मिलेगा तो वैसे भी आपको पूल का एक्सपीरियंस, हाँ रॉक बार फिन या फिर आप वहां जाओ, क्या नाम है, आप पोटेटो हेड, सब में पूल है, तो आपको अपने स्विमवेयर साथ लेके जाओ। वहां पे एंट्री फीस कोई है नहीं, कुछ टेबल्स पे मिनिमम स्पेंड होता है, वो आपकी मर्जी, आप स्पेंड करो ना करो और अपना अपना वहां पे चिल करो। सन डाउनर के टाइम पे जाओ 4 बजे, वहां से निकल जाओ 9 बजे और आके अपने होटल में आके सो जाओ, यहाँ नाइट लाइफ नहीं है, ठीक है गाइज। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, बिकॉज हमने जो मिस्टेक करी है यही करी है कि हमें लगा कि उबुद एक सिटी है और सेमिनियाक इट्स नॉट द सिटी, बट ये उल्टा है। तो अगर आप ट्रिप कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू बेस्टीज। और This was an amazing trip going on. मैं बड़े सुंदर सुंदर होटल्स में रुकी हूँ, हम लड़कियों का तो ड्रीम होता है ऐसे 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 वाले उसमें सोने का। तो लेट्स गो, ओके बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, लव यू, बाई।